मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत थक गया अंजलि। तारक तारक आपको इतनी देर क्यों हो गई? आपको पता है मैंने आपको कितने फोन किए? अरे अंजलि फोन की बैटरी चली गई थी इसलिए फोन नहीं लगा होगा तुमसे, और ऊपर से इतना टाइम तो इस ट्रैफिक ने खा लिया। इतने खतरनाक ट्रैफिक को चीर के यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं ही जानता, और ऊपर ऑफिस में इतना काम, और काम अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो आर्टिकल लिखना है मुझे। चलो भाई भूख लग रही है, अभी जल्दी खाना खाओ। हाँ तारक, तारक तारक सुनिए, हद है, घर आए नहीं और काम की बात शुरू। रोमन सम की कोई चीज ही नहीं। दया दया क्या है? बहू किचन में काम कर रही है, पीछे क्या छुपा रहा है? जी छुपा क्या रहा है पीछे? कुछ नहीं बाबूजी। अरे टफू के पापा आ गए। हाँ। अरे जेठिया तू क्या अत्तर लगा क्या है? नहीं तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? नहीं मैं कोई अत्तर लगा के नहीं आया हूँ, वो तो क्या वो क्या वो मैं वो अरे बोल दया के लिए वो मोगरे का गजरा लेके आया हूँ बापूजी। अरे खड़ा क्या है? अभी लाया है तो दे दे बहू को। नहीं नहीं भूख लगी है बहुत, तो पहले खाना खा लेते हैं ना बाबूजी। अरे पहले तू अंदर जा, हाथ मुंह तो धो ले। हाँ ये क्या तारक, आप अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं? अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब अंजलि? आर्टिकल लिखना कोई करेले के जूस बनाने की तरह आसान नहीं है कि करेला डाला मिक्सर में, बटन दबाया और घर से बन गया। मिस्टर मेहता आप कहना क्या चाहते हैं? अंजलि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी सृजन आसान नहीं होता। दुनिया समझती है ऐसे ही लिख लिए जाते हैं आर्टिकल, ऐसे ही लिख ली जाती है कविता, ऐसा नहीं होता। पहले भाव उपजते हैं, भाव विचार बनते हैं, विचार शब्दों का रूप लेते हैं, शब्द कलम की नोक पे आते हैं, स्याही में शब्द पिरो के उन्हें कागज पे उतारा जाता है। जब कागज पे उतारा जाता है वो वाक्य कविताएं बनती है, वो वाक्य रचनाएं बनती है, वो वाक्य आर्टिकल बनते हैं। ये लेखन की रचना प्रक्रिया है, और जब वो रचना जन्म लेती है तो लेखक को ऐसी खुशी होती है जैसे किसी माँ ने शिशु को जन्म दिया है। समझिए आप? वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक लेखक के मन की कठिन और मुश्किल बात कितनी आसानी से समझा दी। शुक्रिया शुक्रिया, मेरा भी आर्टिकल 2 मिनट में पूरा हो रहा है, फिर बात करते हैं। तारक एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है बस। अरे अंजलि बस मैं जरा ही आर्टिकल ईमेल कर दूं, उसके बाद ईमेल ई फीमेल की सारी बातें सुनेगा, ठीक है? 2 मिनट ये गया जी। हाँ अब बोलिए हुजूर आला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या बात करनी है बताओ। तारक अगले संडे आपको मेरे साथ रहना है। जी अब बात करती हूँ अंजलि। अरे इस संडे शाम क्या, हमने तो जिंदगी का हर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके नाम लिख लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन इस संडे
आपको स्पेशली मेरे साथ रहना है। स्पेशल मतलब क्या, खास क्या है? आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? एमजी रोड पे वो बड़ा रेस्टोरेंट खुला है ना। हाँ रेस्टोरेंट, अरे नया रेस्टोरेंट। हाँ मुझे हाथी भाई ने बताया था कि एमजी रोड पे शानदार रेस्टोरेंट खुला है और क्या डिशेस बनाता है वो। और एक वहाँ चिली चीज टोस्ट खाने के लिए तो मुझे बोला है कि जरूर जरूर खाना। और वहाँ का जो समोसा चटनी है ना, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। मैं तो इतने दिन से सोच ही रहा था कि कब जाए कब जाए कब जाए। तुमने आज मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चलेंगे संडे, 100% चलेंगे। संडे को कोई काम नहीं, तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है तारक, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाजू में जो बड़ा सा मॉल है ना, वहाँ हमें शॉपिंग करने जाना है। वो रेस्टोरेंट के पास में वो शॉपिंग मॉल बड़ा वाला। हाँ संडे? हाँ। ये संडे कमिंग? बस। अच्छा हाँ, अरे संडे, अंजलि 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 अंजलि, इस संडे को कैसे चलेंगे? मैं तो इस संडे को टाउन में कवि सम्मेलन में जाना है, कमिट कर चुका हूँ। पर तारक अभी तो आपने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं नहीं, कहा था चलने के लिए, और बिल्कुल मैंने ही तो कहा था चलने के लिए। लेकिन क्या है, जब मैं कह रहा था ना तो संडे डे ध्यान आ गया, लेकिन डेट नहीं ध्यान रही है। और एकदम से जब रीथिंक किया तो वो डेट ध्यान आ गई, तो उस डेट पे तो मैं कमिटेड हूँ, मुझे वहाँ पे कविता पाठ करने के लिए जाना है ना अंजलि। वाह 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 तारक, अभी रेस्टोरेंट की बात की तो आप तैयार थे मेरे साथ आने के लिए, और अभी शॉपिंग की बात की तो बस बहाने बनाना शुरू। नहीं नहीं अंजलि, कैसी बातें कर रही हूँ अंजलि, मैं तुमसे बहाने बनाऊंगा? बहाने नहीं, असल में मैं उन लोगों को वादा कर चुका हूँ भाई कि मुझे वहाँ पे कविता पढ़नी है, तो मना कैसे करूँ, जाना ही पड़ेगा ना। वाजी वाह तारक मेहता, दुनिया को देंगे एंटरटेनमेंट और बीवी के लिए नहीं टाइम 10%? तो अंजलि एंटरटेनमेंट का काफी परसेंट के साथ, प्लीज ऐसे गलत काफी मत मिलाओ। और तुम कविता की बात कर रही हो, भूल गई तुम? अरे ये मेरी कविताएं सुन सुन के ही तुमने अपना दिल मुझे दिया था, ये भूल गई? मुझे सब याद है तारक, आप सब कुछ भूलने लगे। मैं क्या भूल गया, मैं क्या भूल गया? मुझे सरप्राइज देना। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? पत्नियों को कितना अच्छा लगता है जब उनके पति उनको सरप्राइज डिनर पे ले जाते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। आपको पता है जेठा भाई ने दया भाभी को सरप्राइज में क्या दिया? क्या? मोगरे का कचरा। टप्पू के पापा, क्या खुशबू है! टप्पू के पापा, कितने दिनों के बाद आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लेकर आए हैं। वो दुकान से आ रहा था तो रास्ते में मैंने गजरे वाले को देखा तो एकदम से मुझे तेरी याद आ गई। अच्छा, गजरे वाला मेरे जैसा दिखता था? नहीं सॉरी सॉरी, गजरे वाले को देख के तेरी याद नहीं आई, मोगरे का गजरा देख के तेरी याद आई। तो मैंने सोचा चलो आज घर जाके दया को मोगरे के गजरे की सुगंधी सरप्राइज देते हैं। कैसी लगी सरप्राइज? बहुत ही अच्छी है, है ना? टप्पू के पापा पता है मुझे बचपन से मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। थैंक यू। अरे आप मेरी छोटी छोटी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। तेरे जितना नहीं, तू मेरी छोटी बड़ी हर पसंद का ख्याल रखती है। जेठिया, हाथ मुंह धो लिए कि नहीं? आया आया बापूजी। मैं खाने लगती हूँ। मजाक मत कीजिए, आपको नहीं लगता कि जेठा भाई की तरह आपको भी मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाना चाहिए? अंजलि इन मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या रखा है, ये छोटी मोटी चीज है भाई। तुम कहो तो मैं तुम पे एक शानदार आर्टिकल लिख दूं अभी। अंजलि जिसे मेरे अन्न और जल से दुश्मनी है। हा? या जो मेरे अन्न से जलती है। तारक तारक, इनफ ऑफ योर आर्टिकल 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 एवरी टाइम। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती, कुछ याद नहीं रहता आपको। हमारी फर्स्ट मीटिंग डेट, मेरा बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सब मुझे याद रखना पड़ता है। हादसों की तारीख कौन याद रखता है? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, हंसिए हंसिए। आपको क्या, आपको तो बस अपना आर्टिकल आर्टिकल लिखना, आर्टिकल के विषय, आर्टिकल की डेडलाइन, आर्टिकल से मीटिंग, अब बॉस से मीटिंग, बस यही सब याद रहता है आपको तो। मैं, मेरे लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। तारक, मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आप मुझे भी तो सरप्राइज कीजिए। जाइए और जेठा भाई से सीखिए
कि वो दया भाभी को कैसे खुश रखते हैं। अंजलि अगर सीखने की बात है तो तुम जाओ कोमल भाभी से सीखो कि वो डॉक्टर हाथी को कितनी अच्छी अच्छी डिश बना के चाइनीज इटालियन कॉन्टिनेंटल खिला के कितना खुश और तंदुरुस्त रखती है। तारक आपको ये चाहिए ना? कल मैं आपके लिए स्पेशली आपका पसंद का खाना बनाऊंगी मसालेदार खुश। एक मिनट जरा चिकोटी काटना। क्या जरा चुटी काटो ना जरा। क्यों भाई? जरा कंफर्म करना कि ये जो तुम बोल रही हो वो कहीं मैं सपने में तो नहीं देख रहा, ये मतलब सब चल रहा है ना ओरिजिनल? हाँ तारक ये सपना नहीं सच है। अगर ऐसी बात है अंजलि तो कल तारक मेहता साहब भी ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आएंगे, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ सच? तो डील पक्की? पक्कम पक्की पक्कम पक्की। जरा हम भी तो देखिए कि आप हमारे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं। अंजलि मेरी परीक्षा मत लो, जब मैंने कहा मैं ले आऊंगा मतलब ले आऊंगा। चलो अभी प्लीज मुझे सोने दो, मुझे काम पे भी जाना। और मेरे लिए गिफ्ट भी लानी है, भूलना मत। अंजलि तुम तो पीछे ही पड़ गई हो भाई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे। अरे अंजलि जब सरप्राइज है तो जान कैसे सकते हैं, जब गिफ्ट आएगी तब देख लेना कि गिफ्ट क्या है। अब प्लीज सो और सोने दो। तारक तारक क्या है अंजलि? अच्छी गिफ्ट लाना है अंजलि। मैं ये जेठालाल के मोगरे के गजरे की वजह से सारी रामायण शुरू हुई है। जेठालाल तुमने मेरी नींद खराब की, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी नींद खराब करता हूँ। सरप्राइज गिफ्ट क्या लेके आओगे क्या? अरे हेलो जेठालाल मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब क्या हुआ, इतने रात को फोन क्यों किया? जेठालाल तुम्हारी वजह से मेरी नींद हराम हो गई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया जेठालाल? तुमने आग लगाई है। मैंने? हाँ। कहाँ? मेरे घर में। क्या बोल रहे हो मेहता साहब, सो जाओ चुपचाप। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लगी है। तो आप खुद फायर ब्रिगेड और बुझा दो आग। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आधी रात को मजाक करने के लिए फोन करूंगा मैं तुम्हें? सच में आपके घर में आग लगी है? हाँ। जेठालाल तुम दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, गजरा। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, लेकिन ये बात अंजलि को बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई मैं अंजलि भाभी को सामने से बताने नहीं गया था, वो मुझे कंपाउंड में मिल गया तो बता दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बहुत अच्छे, क्या हुआ जेठालाल? अरे हुआ क्या है, अंजलि अदरक खा के पीछे पड़ गई अब मेरे। जेठा भाई तो दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं, आप भी लेके आओ। क्या लाओगे, कब जाओगे? ओह तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मेहता साहब, कल ऑफिस आते वक्त तो अपना SV रोड और VP रोड का कॉर्नर है ना, उधर जमनी बाजू पे गजरा वाला बैठता है, तो उससे ले लेना गजरा, घर पे आके दे देना अंजलि भाभी को। लेकिन सुनो 20 रुपया छुट्टा लेके जाना, उसके पास 100-500 का छुट्टा नहीं होता है। जेठालाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसी बकवास को पत्नी सरप्राइज कहते हैं, समझे? चलो गुड नाइट। हेलो हेलो हद है, मेरी नींद खराब करके खुद सो गए आराम से। अरे राकेश जी आप चिंता मत करो। हाँ 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 पक्का पक्का। ओके 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 ऑल राइट सर। ओके 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 तारक देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। क्या? लौकी का जूस, इसमें पीस के बादाम डाली है,
लौकी में बादाम। समझ में नहीं आया, धार्मिक फिल्म में आइटम सॉन्ग मतलब क्या कॉम्बिनेशन, क्या है लौकी और बादाम का ये? लौकी और बादाम के कॉम्बिनेशन से याददाश्त डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और पिछले 24 घंटे में हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया कि आप मेरी याददाश्त में इतनी अतिरिक्त मेहरबानी आज क्यों कर रही है। मुझे याद है पिछले 24 घंटे में जो जो भी बातें हुई मुझे पूरी याद है। आपने सिर्फ ग्लास को छुआ और आपको सब कुछ याद आ गया। सोचिए पूरा ग्लास पी जाएंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? लकवा, अगर पूरा पी लूंगा तो लकवा हो जाएगा, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, लेखक को लौकी से लकवा। तारक ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है? छोड़ो ना, हिंदी साहित्य की बात है, छोड़ो ना तुम। कमाल का है ये, कमाल की याददाश्त बढ़ाने वाला जूस है ये। देखो आधा ग्लास तुम्हें भी पीना चाहिए ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुमने कल क्या वादा किया था। हाँ हाँ बराबर याद है, देखना शाम को आपकी मनपसंद सारी डिश रेडी होगी, सरप्राइज। चलिए तो मुझे भी मेरा प्रॉमिस बिल्कुल याद है, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि आप सरप्राइज हो जाएंगी। ठीक है ओके। तारक एक मिनट, वो सरप्राइज गिफ्ट में मोगरे का गजरा मत लाना प्लीज। गेंदे का लेके आऊं? मतलब क्या लेके आऊं? वही तो मैं देखना चाहती हूँ तारक कि आप मेरे लिए क्या लाते हैं गिफ्ट में। ओके बाय बाय। खुद कह रही है ये मतलब वो मतलब सरप्राइज भी चाहिए क्या? समझ बाय। हाँ बाय, मोगरे का गजरा नहीं लाऊंगा। भाभी को एक सरप्राइज गिफ्ट गिफ्ट करने वाले हैं। कल तो मैंने ऐसी जिद पकड़ी थी कि उन्हें मानना ही पड़ा। अरे वो तो ठीक है, पर अंजलि भाभी ये तो बताए कि आपने मेहता सबको ऐसा क्या कहा? मैंने तारक को कॉर्नर करके ऐसा कन्विंस कर दिया कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट के लिए हाँ कहने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अंजलि भाभी टमेटो गजब छे। अरे सुनो सुनो, मुझे लगता है हमें अंजलि भाभी से ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। टंटन सच्ची बच्चे। अंजलि भाभी मेहता साहब आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट देते हैं वो आपको हमें बताना पड़ेगा। हाँ हाँ छोड़ेंगे नहीं, पर बताऊंगी बताऊंगी सबको बताऊंगी। गुड, लेकिन फिलहाल मुझे मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट के बदले में मुझे उनके लिए सरप्राइज डिनर बनाना है। So I'm very busy. इसलिए मैं आप सबसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? आप क्या खाना बनाने वाले हो तो बताइए। Well ये भी एक सरप्राइज है। सुनो सुनो गांव वालों, गोकुल धाम सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू होने वाला है जबरदस्त खेल। सरप्राइज 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 खेल। दया भाभी आप खिलाने वाली थी भेल। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पत्नी को क्या गिफ्ट दी जाए इस पे आर्टिकल लिखना होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता जितना गिफ्ट देने के लिए सोचना पड़ रहा है। अंजलि को क्या गिफ्ट दूं? मेहता साहब सर आप वाउचर पे साइन करना तो भूल ही गए। अच्छा दिखाओ जरा। जी हां, ओहो हो हो सॉरी सॉरी। और बॉस को तो आपने पुरानी फाइल भेज दी। क्या बात कर रहे हो? यस जी यार, समझ में नहीं आ रहा पटेल के मैं क्या कर रहा हूँ यार, सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप सुबह से टेंशन में लग रहे हैं, घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। बाय द वे पटेल तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत भाग्यशाली आदमी हो। पटेल इस पे मैंने साइन कर दिए और ये फाइल जो सही फाइल, हाँ ये सही फाइल ये वाली है। हाँ ये तुम प्लीज बॉस को दे देना और बॉस को थोड़ा सा संभाल लेना। हाँ ओके सर, थैंक यू। हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज ना दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार, क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं? आप मेरी मदद कुछ कर सकते हैं? अरे आप क्या, इसमें तो कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि पत्नियां गॉड गिफ्ट होती हैं,
लेकिन इस गॉड गिफ्ट के लिए अगर गिफ्ट लानी हो ना तो मेरे ख्याल से गॉड भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। भाई आदमी हिमालय की चोटी पे चढ़ सकता है लेकिन पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देके खुश नहीं कर सकता। कोई ऐसी गिफ्ट नहीं ला सकता जिससे पत्नी खुश हो जाए। बहुत कठिन काम है साहब। जब किसी पति को पत्नी के लिए गिफ्ट लाना होता है ना तो रास्ते में जो पहली दुकान पड़ती है उसमें चढ़ता है और जो पहले गिफ्ट जिसपे नजर पड़ती है उसे पैक करवा लेता है। हो गया काम खत्म। लेकिन यहाँ काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे और अंजलि के जो बीच में सरप्राइज गिफ्ट का मैच फिक्स हुआ है। अब इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। इसमें कोई सिक्सर लगेगा या मैं क्लीन बोल्ड होऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि अंजलि को क्या गिफ्ट देकर सरप्राइज करूं। लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी के सरप्राइजेस आने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए ना क्या दूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।